सेकंड, बेस्ड ऑन द सोर्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट देखा, अब हम लोग बेसिकली बेस्ड ऑन सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सोर्स के बारे में सबसे पहला क्या है कि पहला मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो मोस्टली सॉइल से ऑब्जर्व किए जाते हैं और सॉइल से ही मिलते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? मिनरल एलिमेंट्स। सेकेंड आता है नॉन मिनरल एलिमेंट्स। नॉन मिनरल एलिमेंट्स वैसे मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो मोस्टली हमें एयर और वाटर प्रोवाइड करता है। एयर और वाटर जो प्रोवाइड करता है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए, दैट इज कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा और ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन याद रखिएगा, नाइट्रोजन फ्री फॉर्म पे जरूर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, लेकिन कोई भी प्लांट इसे नाइट्रोजन के डायरेक्टली फॉर्म पे एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट ऑब्टेन करेगा किस फॉर्म में इसे? तो दैट इज सॉइल एज नाइट्रेट्स और अमोनियम आयन के फॉर्म पे उसे एब्जॉर्ब करेगा। ये चीज हम लोग आगे चलकर के मैकेनिज्म में देखेंगे। दैट मैकेनिज्म इज कॉमनली नोन एज व्हाट? अमोनिफिकेशन और नाइट्रोजन कन्वर्शन देखेंगे। नेक्स्ट जरा देखा जाए, दैट इज सी, यानी बेस्ड किस पर है? अमाउंट रिक्वायर बाय द प्लांट, यानी एलिमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं प्लांट से वो किस टाइप में होते हैं? कार्बन। रिक्वायरमेंट जो है समटाइम्स हमारी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारी बहुत लिटिल होती है, लेकिन अगर वो लिटिल अमाउंट्स हमारे पास प्रेजेंट ना हो तो देन जनरली क्या होगा? बहुत सारे डिफेक्ट अराइज होने शुरू हो जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जिसे हम लोग जितना भी इस्तेमाल कर ले, जितना भी ले ले, वो हमारा बॉडी यूटिलाइज कर लेगा एज द एनर्जी सोर्स पर। सो उसी टाइप में प्लांट की भी बॉडी रेस्पॉन्सिबल होती है। पहला आता है अमाउंट के बेसिस पे मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो प्लांट लार्ज अमाउंट में रिक्वायर करता है। लार्ज अमाउंट में कैसे? दैट इज एक्सेस ऑफ द 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ अ ड्राई मैटर, यानी ड्राई मैटर कितना? 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर से ज्यादा भी हो गया तो अपन उसे कंसिडर क्या करेंगे? मैक्रो एलिमेंट्स। नेक्स्ट, ये यूजुअली किस चीज में रहेगा? इन्वॉल्व होगा सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस है वो मैक्रो एलिमेंट ही बेसिकली क्या करेगा? फॉर्म कर पाएगा। एग्जांपल, साथ साथ क्या करेगा? डेवलपमेंट रेस्पॉन्सिबल रहेगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट, मैक्रो एलिमेंट टोटल 9 ऑब्जर्व किए गए हैं अभी, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट, याद रखिएगा, अगर ये एक्सेस प्रेजेंट हो जाए तो डू नॉट कॉजेज अ टॉक्सिक इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस। जब एक्सेस हो जाएगा तो कोई भी उसका टॉक्सिक इफेक्ट सो नहीं करेगा। नेक्स्ट बेटा क्या है कि अब वो एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स हैं जो काफी कम रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, दैट इज लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर, यानी उससे कम रिक्वायर होगा। अगर उससे ज्यादा हो गया तो जनरली वो क्या करेगा? हार्म करेगा, जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं? टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं। याद रखिएगा, मोस्टली किस चीज में इन्वॉल्व रहेगा? इन्वॉल्व रहेगा फंक्शंस ऑफ एंजाइम के लिए, मोस्टली इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट देखा जाए, एक माइक्रो एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 8 माइक्रो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। नेक्स्ट, याद रखिएगा, ये क्या करेगा? कॉजेज टॉक्सिसिटी, यानी अगर इसकी एक सर्टेन लिमिट वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या करेगा? टॉक्सिसिटी इफेक्ट शो करेगा। टॉक्सिसिटी इफेक्ट का मतलब दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट शोन बाय द एलिमेंट्स। और प्रेजेंट किस फॉर्म पे होगा? इवन इन स्लाइटली एक्स, मतलब कि हल्का सा भी एक्सेस हो गया तो जनरली क्या करेगा? टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक इफेक्ट वगैरह शो करना शुरू कर देगा। और इसी के साथ साथ अगर माइक्रो एलिमेंट इसके बिहाफ से और कम हो गए, यानी बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन कम हो गए, यानी एक ऑप्टिमम वैल्यू से कम हो गई, देन उस चीज को अपन क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी कहेंगे। सो होप आपको क्लियर होगा दैट इज टॉक्सिसिटी एंड दैट इज डेफिशिएंसी। नाउ अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे एलिमेंट, जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा माइक्रो और मैक्रो के रिगार्डिंग,
अब हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है कंपोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स। कंपोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल अगर देख लोगे तो सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वो भी किस फॉर्म पे, एमिनो एसिड के फॉर्म पे, प्रोटीन के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, विटामिन, यानी मैक्सिमम कंपोजिशन में नाइट्रोजन एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहा होता है। सेम इसी टाइप में अपन क्या कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या आता है बायो मॉलिक्यूल्स में, कि कुछ फ्रेमवर्क में और कुछ प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट में। फ्रेमवर्क और प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स में जो कि जनरली क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस जैसे एग्जांपल, जैसे प्रोड्यूस द सेल वॉल, क्योंकि फ्रेमवर्क है। फ्रेम का मतलब आप जानते हो, बॉडी का एक अलाइबल स्ट्रक्चर, और फ्रेम को क्या करना, डिफाइन करना और डिटरमाइन करना, दैट इज फ्रेमवर्क और प्रोड्यूस सेल वॉल। सेल वॉल में जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये ऑटोमेटिक क्या करता है, स्टोरेज वगैरह में मदद करता है, स्टोरेज ऑफ प्लांट वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट जो है बच्चे, दैट इज द प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट आप जानते हो कि प्रोटोप्लाज्म का जो एसेंशियल एलिमेंट है, दे आर कॉमनली नोन एज वॉट, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट, जिसका एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सीन, जिसमें रेस्पॉन्सिबल कौन कौन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, ये सब प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट के तौर पे क्या किए जाते हैं, कंसिडर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, दे आर कॉमनली नोन एज वॉट, दैट इज रेगुलेटर ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड परमिएबिलिटी। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और परमिएबिलिटी में क्या क्या रेस्पॉन्सिबल रहा, जरा देखिएगा। अब जैसे वाटर रिक्वायर होता है किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन और मेंटेनेंस ऑफ सेल की टर्जिडिटी के लिए, यानी सेल टर्जिड अगर है तो वो जनरली किस चीज के लिए, वाटर, और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, मेंटेन कर रहा है सेल की टर्जिडिटी। नेक्स्ट आती है दैट जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, वो बेटा इंक्रीज क्या कर रहा है, परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, यानी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। साथ साथ उसी जगह पर कैल्शियम जो डिक्रीज करता है परमिएबिलिटी। नेक्स्ट आता है बेटा कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट है, जैसे कि एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो कि कंपोनेंट किसका है, क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। नेक्स्ट है फास्फोरस, जो किसका कंपोनेंट है, एटीपी का कंपोनेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ये मैग्नीशियम और आयरन कंपोनेंट के तौर पर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब कि अगर इस जगह पे आयरन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक एसेंशियल कंपोनेंट किसका हो जाता है, तो वो एक एसेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो आपका बॉडी का हीमोग्लोबिन का होता है। सेम उसी टाइप में जो मैग्नीशियम है, ये भी कंपोनेंट किस चीज का है, तो क्लोरोफिल का है। क्लोरोफिल आप जानते हो, जो कि प्लांट का ग्रीन कलर रेस्पॉन्सिबल होता है, प्लस एनर्जी सिंथेसाइज करने में, यानी C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए भी क्लोरोफिल रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ग्रीन प्लांट के तौर पे। नेक्स्ट आता है बेटा दैट इज द फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये किसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट उसका एटीपी का है, जो कि एक एनर्जी सबस्टांस है, जो प्लांट और एनिमल में दोनों एक एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट आता है, दे आर कॉमनली नोन एज फोर्थ, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम बेसिकली क्या है, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, क्या चीज, मेटल्स विद अ वेरिएबल वैलेंसीज एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर आप जानते हो, जो हमें फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है कि कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वो सब डिस्कस करता है, जैसे Fe2+, Fe3+, Cu+ एंड Cu2+। नेक्स्ट आता है बेटा, दे आर कॉमनली नोन एज वॉट, टॉक्सिक एंड बैलेंसिंग इफेक्ट। टॉक्सिक एंड बैलेंसिंग इफेक्ट का मतलब क्या रहा, कि एक जो बॉडी में एक्सेस इंक्रीज हो जाए तो उसके वजह से टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, बैलेंसिंग इफेक्ट, यानी उसके मिनरल एलिमेंट के वजह से वो बैलेंस करने में काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं वो काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाते, कब, जब वो प्रेजेंट होते हैं हाई कंसंट्रेशन देन दी नॉर्मल। एग्जाम्पल कॉपर, बोरोन, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम एंड जिंक। नेक्स्ट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली बिकम टॉक्सिक इन लेस कंसंट्रेशन, यानी कम कंसंट्रेशन में भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, यानी स्मॉल कंसंट्रेशन में भी टॉक्सिक हो जाएगा। जैसे सबसे पहला लेड, निकल, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, और जिस चीज का नाम क्या है, मर्क्यूरी नाम है। नेक्स्ट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं
दे आर कॉमनली नोन एज वॉट एलिमेंट्स, जैसे कि कैल्सियम, मैग्नीशियम, ये लेस टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। याद रखिएगा, कैल्सियम और मैग्नीशियम होते तो एक्चुअल में ये हैवी एलिमेंट्स हैं, लेकिन कैसे होते हैं, लेस टॉक्सिक होते हैं। साथ साथ इस जगह पे आप चाहो तो एक और टर्म को ऐड कर सकते हो, दे आर कॉमनली नोन एज वॉट, पोटेशियम। अब जो सिक्स फंक्शन है, जैसे अभी हम लोगों ने फिफ्थ मेंशन किया, सिक्स फंक्शन है जिस चीज को अपन क्या कह सकते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज द कैटलिटिक इफेक्ट कहते हैं जिसे। अभी अपन देखते हैं, दैट इज सिक्स वन, जिस चीज का नाम क्या देते हैं, कैटलिटिक इफेक्ट। कैटलिटिक इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, कैटालिसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैटालिसिस और कैटालिटिक इफेक्ट के बेसिस पे अगर बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, कैटालाइजर के तौर पर एक्ट करते हैं। सेम चीज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मैग्नीशियम डाइवेलेंट आयन के बारे में। जैसे Mg डाइवेलेंट आयन, ये बेसिकली क्या रहता है, ये एक्टिवेटर होता है किस चीज का, ये एक्टिवेटर होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम का, यानी जो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए क्या होते हैं, ये कैटालिटिक इफेक्ट शो करता है। साथ साथ आपने बहुत बार सुना होगा हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, जो कि दैट इज हेक्सोकाइनेज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ये जो चीजें हैं क्या, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एज वेल एज दैट इज, इस चीज को अपन कह सकते हैं क्या चीज, ये जो है फोटोसिंथेटिक कैटेलिस्ट होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ साथ आपने नाम भी सुना होगा, दैट इज क्या, RUBP कार्बोक्सीलेज, That is Rubisco biphosphate carboxylase, ये भी actual में क्या करता है, important role play करता है। यही तक नहीं बेटा, एक और ऐसा element है जो catalytic role पे सबसे ज्यादा important play करता है, जिस चीज का नाम अपन क्या कह सकते हैं, they are commonly known as what, zinc divalent। अगर अपन Zn divalent के बारे में बात करें, Zn divalent बहुत ही important act करता है, और कह सकते हैं zinc, ये zinc जो है ये किस में present होता है, carbonic एंड हाइड्रेज का, ये क्या होता है, कैटेलिटिक रोल प्ले करता है, जो कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में अच्छे तरीके से पता चलेगा। कारण इस जगह पे हमने इस वजह से पढ़ा क्योंकि इसका दूसरा नाम दैट इज अल्कोहल डी हाइड्रोजिनेज के लिए भी बेसिकली क्या किया जाता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम चीज अगर पोटेशियम देखा जाए, पोटेशियम के बारे में आप जानते हो, बायोमोलिक्यूल्स में अगर डिस्कस करोगे तो पोटेशियम जो है वो मोस्टली 40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोफैक्टर को एक्टिवेट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, पोटेशियम, जो कि क्या करता है, कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर ऑफ डिफरेंट 40 एलिमेंट्स के बाद क्या चीज है, ये कोफैक्टर है। नेक्स्ट बेटा, इसके बारे में अपन जो डिस्कस करेंगे, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, मूवमेंट एंड बफर एक्शंस। मूवमेंट और बफर एक्शंस के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो अब जरा देखा जाए कि मूवमेंट और बफर एक्शंस में क्या क्या है। नेक्स्ट दैट इज सेवेंथ नंबर में अपन क्या देखेंगे, मूवमेंट एंड बफर। मूवमेंट एंड बफर रेगुलेशन में ये आपको पता होना चाहिए कि अगर मूवमेंट हो गया, बफर हो गया, तो बहुत सारे सर्टेन एंजाइम ऐसे होते हैं जो जनरली क्या होते हैं कि बफर के तौर पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बफर के तौर पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पोटेशियम, पोटेशियम आपको पता होना चाहिए, मतलब मूवमेंट, मूवमेंट किसका, तो वाटर का मूवमेंट। अगर पोटेशियम प्रेजेंट नहीं रहेगा तो स्टोमेटा की ओपनिंग बेसिकली नहीं हो पाएगी, यानी आपको पता होना चाहिए कि ये जो है पोटेशियम किस चीज के लिए रेगुलेशन रोल प्ले करता है, दे प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ विच वन, स्टोमेटा। यस, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो क्या है, पोटेशियम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर डिस्कस किया जाए, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, साथ साथ ये जो है
टगर मूवमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जरा कुछ देखा जाए, जैसे बहुत सारे वीक एसिड और सॉल्ट जो कि जनरली क्या करते हैं, देखिए दैट इज वीक एसिड और सॉल्ट जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली ये किस चीज पे एक्ट करते हैं, बफर सॉल्यूशन के जैसे। बफर आप जानते हो जो अपने पीएच को क्या कर सकता है, सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। ये जो चीजें हैं ये जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या चीज? ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ द एलिमेंट्स और ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ द मिनरल। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स मैंने पहले भी बताया था, जिस चीज को अपन हंगर साइन कहते हैं। गॉट इट? देखा जाए डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स है क्या? डेफिशिएंसी सिम्टम्स, पहला, अगर किसी की कमी हो जाए, यानी एक ऑप्टिमम वैल्यू से जिसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाए उस चीज को अपन क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी कहेंगे। और वो जो ऑप्टिमम वैल्यू होता है उस चीज का नाम कहते हैं क्या, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मतलब लेट सपोज कि कोई एक एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट एक्स मिलीमोल पर ग्राम, मान लो। अब ये जो है ये इसकी क्या होगी बेटा, एक ऑप्टिमम वैल्यू हो गई। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब क्या हो गया, ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो गया। क्या हो गया? ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो गया। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे हो जाए तो इस चीज को क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी कहेंगे। और अगर इससे क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए तो इस चीज को क्या कहेंगे, टॉक्सिसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, टॉक्सिसिटी कहेंगे। मतलब डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी याद रखिएगा। बहुत सा एक नीट का बहुत अच्छा पूछा गया क्वेश्चन है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्टली किस में ऑब्जर्व होता है, और याद रखिएगा कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स अपीयर व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉल बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्या कि अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन है और क्रिटिकल कंसंट्रेशन के नीचे और डेफिशिएंसी सिम्टम्स उसी समय दिखेगा जब हमारा क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे क्या हो जाए, रिक्वायरमेंट फॉल कर जाए, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि सर क्रिटिकल कंसंट्रेशन आप यहां पर क्या किसे कह सकते हो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अब जरा देखा जाए, क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक ऐसा लिमिटेड कंसंट्रेशन है, और लिमिटेड कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जिसके वजह से मतलब कि अगर ये क्या हो गई, लिमिटेड हो गई ना, लिमिटेड कंसंट्रेशन हो गया क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर इसके नीचे हो जाए, यानी लिमिटेड हो गया बिलो दिस ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, क्या होगा, अफेक्टेड होगा। क्या चीज होगा, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होगा। बहुत सारे कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, दैट इज है ना, डेफिशिएंसी सिम्टम्स वगैरह हम लोग अभी फ्लो चार्ट में देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। कॉमन डेफिशिएंसी सिम्टम्स है क्या, मतलब कि अगर मिनरल एलिमेंट्स कम होती है तो उसके रिगार्डिंग जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स कॉमनली ऑब्जर्व की जाती है उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है, दैट इज एब्सीशन। एब्सीशन का मतलब आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, कटना, छटना या फिर गिरना, लगे रहना। दैट इज प्री मैच्योर फॉल। जो प्री मैच्योर फॉल होगा फ्लावर का, फ्रूट्स का, लीव्स का, उसे अपन एब्सीशन कहेंगे। और कर्लिंग ऑफ लीव्स, यानी लीव्स का इनवर्ड कर्लिंग अगर हो जाएगा वो एब्सीशन में आएगा। ये भी एक किस चीज का, डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब
कि क्लोरोफिल का लॉस होना शुरू हो जाएगा। जब क्लोरोफिल का लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से जो लीव्स होगी वो किस टाइप में ऑब्जर्व होने लगेगी, येलो ऑब्जर्व होने लगेगी। येलो के बाद जाकर के वो डार्क ब्राउन कलर पे आएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो फॉल हो जाएगा। दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, क्लोरोसिस। नेक्स्ट आता है डाईबैक। डाईबैक क्या है जरा सुनेंगे अपन। डाईबैक का मतलब होता है कि एक्चुअल में डेथ किसका होगा, सूट एपेक्स का डेथ होगा, जिसके वजह से सूट एपेक्स, स्टेम टिप, यंग लिप्स वगैरह क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। इसी कंडीशन को क्या कहेंगे, डाईबैक कहेंगे। नेक्स्ट आता है हार्ट रॉट। हार्ट रॉट का मतलब क्या होता है, अक्सर आपने वेजिटेबल्स में देखा होगा कि बीच पार्ट्स में वेजिटेबल सूख जाता है और एक ब्राउन कलर का स्कम जनरेट कर देता है, जहां पर वुडी पार्ट्स अपियर हो जाते हैं, उसे अपन रॉट कहते हैं, यानी सड़ना। एग्जांपल अगर देखा जाए, मान लो आप, अभी अपन टोमेटो के बारे में बात करें, देखा यह हमारा टोमेटो, ठीक है, इस जगह से ग्रीन वगैरह। सो अगर ये इस जगह पर सूख जाए, यानी वुड स्ट्रक्चर पर हो जाए, इसी चीज को अपन कौन सा कंडीशन कहेंगे, रॉट कहेंगे। क्या कहेंगे, रॉट कहेंगे। दैट इज कॉमनली नोन एज द हार्ट रॉट। सॉफ्टनिंग और रॉटनिंग ऑफ इंटरनल टिश्यूज, इंटरनल टिश्यू रॉट करेंगे, साथ साथ एक्सटर्नल क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वन, लिटिल लीफ डिजीज। लिटिल लीफ डिजीज एक्चुअल में क्या चीज है, डेवलपमेंट है किसका, और वेरी स्मॉल लीव्स का, काफी छोटे छोटे लीव्स का जो डेवलपमेंट है, उस चीज को अपन क्या कहेंगे, लिटिल लीफ डिजीज कहेंगे। यानी जितना नॉर्मल होना था वो उतना नॉर्मल नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, लीव्स की साइज काफी छोटी रह जाएगी। नेक्स्ट सिक्स, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, मॉल्टिंग जिसे कहते हैं। मॉल्टिंग मतलब क्या रहा, दैट इज द पैचेज ऑफ ग्रीन और नॉन ग्रीन एरिया, यानी ये पैचेज फॉर्म करेगा। इंटरवेनिंग भी कहते हैं इसे, इंटरवेनिंग क्लोरोसिस का नाम है इसका, मतलब पैचेज ऑफ ग्रीन और नॉन ग्रीन एरियाज, पूरे लीफ इंटरवेन्स वेन्स पर इस जगह पर क्या हो जाएंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। उस डेफिशिएंसी सिम्टम्स का नाम अपन क्या देंगे, मॉल्टिंग देंगे। नेक्स्ट आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है बेटा स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ जितना प्रॉपर होना था उतना ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उस टाइप के ग्रोथ को अपन क्या कहेंगे, स्टंटेड ग्रोथ कहेंगे। एंड क्या चीज है, डेथ ऑफ टिश्यूज हो गया। नेक्स्ट आता है दैट इज व्हाइट बर्ड्स। व्हाइट बर्ड्स में देखा जाए ये क्लोरोसिस है, अफेक्ट कौन करेगा, यंग लीव्स, साथ साथ बर्ड्स कॉजेस व्हाइट, यानी जितने भी हैं यंग लीव्स कह लीजिए या फिर डेवलपिंग बर्ड्स कह लीजिए, ये सब सारे क्या हो जाएंगे, व्हाइट इन कलर ऑब्जर्व। लास्ट आता है दे आर कॉमनली नोन एज द विल्टिंग। विल्टिंग ये उस समय होता है जब अपना टर्गर प्रेशर, यानी सेल का टर्गर प्रेशर लूज हो जाता है। तो आपने एक प्लांट के बारे में नाम सुना होगा जिसे अपन कहते हैं टच मी नॉट, म्यूमोसा प्यूटिका उसका नाम होता है, जिसे टच करने के बाद उसकी सारी लीव्स वेन्स के टुवार्ड क्या हो जाती है, मिड रिब्स के टुवार्ड शिफ्ट हो जाती है, जिसे अपन टच मी नॉट भी कहते हैं। दैट इज लॉस ऑफ टर्गर इन द पार्ट्स ऑफ प्लांट, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, विल्टिंग। ये वीडियो में हम लोगों ने मैक्सिमम डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो अपन डिस्कस करेंगे वो चीज हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी, ये सब नाइन डेफिशिएंसी सिम्टम्स में कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसकी डेफिशिएंसी को अपन कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। सो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।